अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी मेथड से सॉफ्ट एंड जूसी दही बड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप बहुत जल्दी रेडी कर सकते हैं। इस तीखी खट्टी मीठी चटनी से आप दही बड़े यूँ बना सकते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले दही बड़ों जैसा है। तो इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कप उड़द दाल ली है, कोई इसे माश की दाल भी कहता है। इस दाल से दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसे 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह पानी से धो लेंगे और 4 से 5 घंटे के लिए इसे पानी में भीगने के लिए रख देंगे। 5 घंटे हो चुके हैं तो इसका पानी फेंक देंगे और मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा थोड़ा डालकर इसे पीस लेंगे। दाल के साथ में साफ पानी है तो मैं यही पानी डालकर पीस रही हूँ। तो दाल को बारीक सा पीस लेंगे। तो दाल भी पीस चुकी है। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब 5 मिनट तक इसे यूं ही मिक्स करते रहेंगे, जिससे बैटर में एयर भी नहीं रहेगी और ये और सॉफ्ट बनेंगे। अब 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्टिंग के लिए रख देंगे। तो जब तक हम चटनी रेडी करते हैं, तो पैन में 1 कप पानी डालेंगे, 1/3 कप गुड़ डालेंगे, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर यानी सोट का पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखकर इसे अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। हमें इसे इतना पकाना है कि 1/4 हिस्सा इसमें से कम हो जाए, जिससे ये थिक भी हो जाएगी। इस चटनी को आप बहुत से चाट के साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी हम 2-3 चटनी के बजाय एक ही चटनी रेडी कर लेंगे। तो चटनी रेडी हो गई है, अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो अब बड़ा फ्राई करेंगे, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम मीडियम रखकर थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। सारे बड़े डालने के बाद गैस की फ्लेम फास्ट कर लेंगे, इसे यूं ही रहने देंगे, चम्मच नहीं लगाएंगे और जब ये हल्के ब्राउन हो जाए तो इसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद गैस की फ्लेम फास्ट कर लेंगे। अब बड़ों का कलर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई होने देंगे। तो बड़ों का कलर चेंज हो चुका है, इसी तरह का गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए। तो अब इसे निकाल लेंगे, इसी तरह बाकी बड़े भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद बड़ों को 10 मिनट तक यूं ही रहने देंगे ताकि ये थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। अब एक बाउल में नॉर्मल पानी लेंगे, इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बड़े भी थोड़े ठंडे हो चुके हैं तो सारे बड़ों को पानी में डाल देंगे और 15 मिनट तक इसे पानी में यूं ही रहने देंगे ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ बाउल में मैंने 1/2 kg दही लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे और अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे कि ये क्रीम जैसी लगे। तो दही भी रेडी हो गई है। तो अब वड़ों में से पानी निकालेंगे, इसी तरह हल्के हाथों से वड़ों को रखकर पानी निकालेंगे। हमें इसमें से बस एक्स्ट्रा पानी निकालना है, वड़ों को बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे। तो वड़ों को अच्छी तरह से स्क्वीज कर लिया है। अब दही वड़े की प्लेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले सर्विंग प्लेट में वड़ों को रखेंगे। अब इसके ऊपर दही डालेंगे, दही को अच्छी तरह से डालेंगे ताकि वड़े अच्छी तरह से डीप हो जाए। अब हमने जो चटनी बनाई थी इसे डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच चटनी डाली है, आप आपके टेस्ट के हिसाब से चटनी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब थोड़ा बारीक से उसे इसे गार्निशिंग करेंगे। तो टेस्टी सॉफ्ट और जूसी दही वड़े रेडी हो गए हैं। चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है।
आप इस चटनी को ज़्यादा बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। ये बहुत से चाट में यूज़ होता है। इंशाल्लाह हम इस चटनी से आगे और भी चाट बनाएंगे। तो इस रमज़ान आप इस दही वड़ों को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।